कुल्लू से 10 किलोमीटर और नगर से 30 किलोमीटर की जर्नी है पीच गांव तक की। कुल्लू से सिंगल लेन रास्ता हो जाता है जो काफी सीनिक है और काफी शांत भी। आखिरी 1 किलोमीटर जितना रास्ता थोड़ा खराब है और उसके बाद हम पहुंचते गांव में, जहां से हम 25-30 मिनट्स का हाइक करते हैं लेक की तरफ। And here we come to the gate of Meadows. पास में एक मंदिर था जिसको हम पास से देख रहे थे, तभी हमारी मुनीश जी जो एक लोकल है उनसे भेंट हुई। उन्होंने हमारे लिए दरवाज़ा खोला और मंदिर के पास ले गए और फिर थोड़े मंदिर के बारे में हमें बताया। वो ये जोगनी फुगनी नौनी माता है, ये वो माता है जो त्रिदेवों की शक्तियाँ हैं। इसे आप लक्ष्मी रूप भी बोल सकते हैं, सरस्वती रूप भी बोल सकते हैं और काली रूप भी आप बोल सकते हैं। त्रिदेवों का एक अपार संगम है ये। उन्होंने मंदिर में से एक श्रीफल निकाला प्रसाद के रूप में और हमें दे दिया। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते गए। हमें पता चला 20-25 मिनट की हाइक पे एक और ओपन ग्राउंड आता है जो कि एक टेंपल के पास में, चमदाग्नि ऋषि टेंपल। तो हम उसकी ओर निकल पड़े। रास्ते में हमने देखा गांव के यंगस्टर्स को इन पहाड़ों की ऊंचाई पे क्रिकेट खेलते हुए। क्रिकेट देखकर हम आगे जा रहे थे, तभी साइड में सिमरन को एक डैंडेलियन दिख गया। And then we knew what was next to be done. आगे ट्रैक पे हमें बहुत सारे बटरफ्लाइज मिले। ऐसे लगा जैसे कि ये कोई बटरफ्लाई ट्रैक हो। फिर हम पहुंच गए टेंपल के पास।
टेंपल के पास हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, थोड़ी बातें की, थोड़े फ़ोटोज़ क्लिक किए, एक पेड़ की छाँव में थोड़ा समय बिताया और फिर शाम होने लगी, ठंडी बढ़ने लगी और हल्की हल्की सी बारिश शुरू होने लगी, तो फिर हमने वापसी की और रास्ता पकड़ा। ये थी हमारी एक और हिमालयन गांव की ट्रिप की कहानी। ऐसे ही मिलते रहेंगे फिर किसी रोज़ किसी और हिमालयन गांव की सड़कों पे घूमते हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय।